आपका स्वागत है आज के वैदिक मैथमेटिक्स के क्लास में। तो वैदिक मैथमेटिक्स का जो सेकंड क्लास है उसमें हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र को जानेंगे। ये वैदिक मैथमेटिक्स या वैदिक गणित जो मेनली पिछले कुछ सालों में देखा गया है काफ़ी फेमस हो गया, जबकि ये पिछले कुछ सालों का काम नहीं, ये कई कई सालों का काम है। हमारे प्राचीन काल में भी हम वेदा के ही थ्रू हम गणित सीखते थे, और जहाँ तक आपको पता है कि वेदा जो है उसका मतलब ही होता है नॉलेज या ज्ञान, तो ये जो ज्ञान था वो गणित के डायरेक्शन में था। और उसको जो अभी जो आधुनिक युग है या जो मॉडर्न टाइम है, उस मॉडर्न टाइम में भारती कृष्ण तीर्थ जी, जो कि एक जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने किताब लिखी, लगभग 1900 के शुरुआत में ही लिखी, 10-11 इसके आसपास या 10 से 20 के आसपास लिखी, और ये कुछ साल पहले बहुत फेमस किताब हो गई और लोग वैदिक मैथमेटिक्स बाय भारती कृष्ण तीर्थ जी करके किताब है, वो किताब काफ़ी यूज़ करते हैं। और आप ये जान लें कि उस जो ये वैदिक मैथमेटिक्स है जनरली उनमें 16 सूत्र होते हैं और 13 सब सूत्र होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जब वो किताब होगी भारती कृष्ण तीर्थ जी की, तो आप उस किताब से इन सूत्रों पे ध्यान सूत्रों को पढ़ सकते हैं, बारीकी से पढ़ सकते हैं, एक एक चीज़ गहराई में जाके पढ़ सकते हैं। पर यहाँ पर हम उतनी गहराई में नहीं जाएंगे, हम उन जो थोड़ी, एक्चुअली में तो वैदिक गणित बहुत आसान है, पर जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उनको भी आसान करने के लिए हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख लिया है। तो मैं आप स्टार्ट करूंगा, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ठीक है। और अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको, इस वाले फॉर्मूले को जो मैं आपको यहाँ पर सर्कल करके दिखा रहा हूँ, तो अगर इसको हम, यानी इस दोनों को, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये वाला पार्ट इधर भेज दिया गया है और ये वाला पार्ट इधर भेज दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला आपको मिल गया, ये दोनों सूत्र आपको मिल गया, तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं उस सूत्र को। अब इस सूत्र को हम नंबर में कैसे अप्लाई करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम नंबर्स को देखते हैं, जैसे कि अगर हम आपको देते हैं सवाल से 10 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हो 10 माइनस 1, यानी ए माइनस बी, 10 प्लस 1 यानी ए प्लस बी लिख सकते हो, और ये हो जाएगा 9 गुना 11, ठीक है। अब आगे चलें और 10 के जगह दुगुना कर दे जाए, 20 स्क्वायर कर दें और यहाँ पे 1 स्क्वायर ही रखें, तो क्या होगा, 20 माइनस 1 20 प्लस 1, ठीक है। 20 में 1 घटेगा, 20 में 1 जुड़ेगा, ध्यान रखना है। पिछले वाले में 10 में 1 घटा था, 10 में 1 जुड़ा था, तो इसलिए 9 गुना 11 हुआ। अब क्या हो जाएगा, 20 में 1 घटा, 20 में 1 जुड़ा, यानी 19 गुना 11 हो गया, 19 गुना 21 हो गया। अब 20 के जगह अगर हम 30 रख दें और ये वाला लाइन एकदम सेम रहेगा, ये वाला लाइन एक जैसा ही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 में से 1 गया और 30 में से 1 जुड़ा, तो ये हो जाएगा आपका 29 गुना 31। अब आगे चलते हैं, 40 का स्क्वायर करेंगे, उसमें 1 का स्क्वायर घटा देंगे, तो 40 माइनस 1 और 40 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 39 गुना 39 गुना 41। तो अब आप कुछ चीज ध्यान से देखो, आप ये देख रहे हो कि ये क्या है, 9 और 11, और 9 और 11 के बीच में क्या आता है, यहाँ देखो वो यहाँ पर है 10, यहाँ देखो 19 और 21, 19 और 21 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 20, देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ देखो 29 और 31,
इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आती है? ये देखो 30 यहाँ पर, यानी इनके बीच की संख्या वाले, इनके बीच वाली, इनके बीच की संख्या जो आएगी उसका हम स्क्वायर कर देंगे या उसको 2 बार गुना कर देंगे और उसको 1 से घटा देंगे, ठीक है। अगर कोई आपको उल्टा लिख के दे कि सपोज कोई बोल रहा है कि 9 गुना 11 क्या होगा, तो आप बड़े आसानी से कर देना, दोनों के बीच में 10 होता है, तो 10 घटाओ 1, 10 जोड़ 1, और ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 100 में 1 घटेगा तो ये 99 हो जाएगा। वैसे कोई 19 गुना 21 पूछेगा आपसे, तो आपको साधारणतः क्या करना है कि इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ जाना है कि भाई 19 और 21 के बीच में क्या है, 20 है, 20 का स्क्वायर कर दें और उसमें से 1 घटा दें। तो 20 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, 400, 400 में से 1 घटा देंगे, 399। इससे आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत हल्का हो जा रहा है, और जो नॉर्मल कैलकुलेशन, जैसे जैसे बड़ा बड़ा नंबर आएगा, जैसे जैसे बड़ी बड़ी संख्या आएगी, वैसे वैसे क्या होगा कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप क्या, और जो आप हाथ से, मतलब जो आप पुराना पद्धति जो जान रहे थे उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो उससे लगभग 5 या 10 गुना तेजी से आप इससे आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पे, और इधर से आप चलना शुरू करो, इधर से चलो इधर से जाओ, दोनों तरफ से जाओगे तुमको आइडिया होगा। तो वैसे ही इधर से जाना है, इधर से जा रहे हैं, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ होगा, तो फिर से हम लिखते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और फिर से हम लिखते हैं। अब बड़े बड़े नंबर्स को देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 99, 99 गुना 101, दोनों के बीच में कौन सी संख्या? भाई आपको पता है 100 आती है, और 100 का स्क्वायर करके उसमें से 1 घटा देना है, तो 100 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2 जीरो है, तो स्क्वायर करने पे 4 जीरो आ जाएगा और उसमें 1 घटा देंगे। अभी आप आसानी से बता सकते हो, 9 9 9 9, 10 में से 1 गया तो 9, और बाकी 9 9 9 बचेगा, 9 9 9 और 9 हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान है ये, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें खासी परेशानी होगी आपको बनाने में, या इसके आंसर्स को लाने में, या इसके उत्तर तक पहुंचने में। तो आप इसको ध्यान से देखते जाएं। अब इसके बाद आप चलो इससे भी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 199 गुना 201, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि 100 की जगह ये अब 200 का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके बीच में ना कहीं 200 लाई कर रहा है या 200 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4, और इसमें 4 शून्य लगा दो, 1 हटा दो, तो 3 9 9 9, तो ये हो गया। तो देखने वाली बात क्या है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है ये देखना है। तो इन दोनों के बीच में 100 आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है भाई, एक ये 200 आ रहा है, 200, ठीक है। तो एक और दो तीन सवाल देख लें हम लोग फटाफट। तो जैसे मान लेते हैं किसी ने बोला 79 इंटू 81, ठीक है, तो तुरंत देखेंगे कि 80 है, 80 का स्क्वायर 6400 होता है, 1 हटा देंगे, 6399। कोई बोलता है 89 इंटू 91, दोनों के बीच में क्या है भाई, 90 है, 90 का होता है 8100, 8100 में 1 हटा देंगे, और ये हो जाएगा आपका 80 99। देखना होगा कि 1 घटाना है, 1 घटाने में गलती नहीं करना है, 1 घटाने में गलती करोगे तो फिर गलत आंसर आ जाएगा, तो इसलिए आप देखोगे कि 1 घटाने में गलती ना करें। और अगर 189 इंटू 191 कर दे, थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट फिर भी दोनों के बीच में 190 है, और 190 का स्क्वायर जो होता है, 190 का स्क्वायर करेंगे उसमें से 1 घटा देंगे, और एक 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का टेबल मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था, उस ट्रिक से अगर जाओगे तो 361 होता है, 2 शून्य लगा दो, 1 हटा दो, तो 3 5
शून्य नौ नौ। तो ये हमारा आंसर देखो किस तरह से आ रहा है। जो जो संख्या में जिस जो पद्धति चल रहा है उस पद्धति को समझने की कोशिश करना, और उस पद्धति को जब हम समझ जाएंगे तो हम एकदम ही सटीक जवाब तक पहुंचेंगे। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर था या दूसरा वीडियो था वैदिक मैथमेटिक्स पे। और इस वैदिक मैथमेटिक्स में दूसरे वीडियो में जो हमने देखा है वो देखा है कि भाई ये फॉर्मूला किस हिसाब से हमें बड़े बड़े संख्याओं को गुना करने में मदद प्रदान करता है। तो ये गुना करने में जो भी मदद प्रदान कर रहा है उस फॉर्मूला को हम लोग दोनों दिशा में लिखने का कोशिश करेंगे, बायां से दायां और दायां से बायां, इक्वालिटी को मेंटेन करते हुए। और हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत बहुत लाभकारी हो रहा है। तो इस तरह से हम आज का क्लास यहाँ पर एंड करते हैं, आज का लेक्चर या आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। और साथ साथ आपके पवित्रम गुरुकुल के समर कैंप में गणित में जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग फिर मिलते हैं तीसरे लेक्चर में। थैंक यू।